तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए तीन तरह की किचन टिप्स लेके आई हूँ। अगर आप सूजी, मैदा, बेसन में कीड़े लगने से परेशान हैं तो परेशान मत होइए, इसके लिए मैं आपको तीन तरह की किचन टिप्स बताऊंगी। पहली टिप्स ये है, ये हैं सूखी हुई नीम की पत्तियाँ, जिसको धूप में मैंने सुखा लिया है। ये इस तरह की नीम की पत्तियाँ हैं, इनको सुखा लिया है मैंने धूप में। अब एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसमें इस तरीके से इसको इनको बांध दीजिए। इस तरह से एक पोटली बना करके और हम इस डिब्बे के अंदर बीचों बीच इसको रख देंगे ऐसे, और बाकी ऊपर से और बेसन डाल देंगे। फिर इसके अंदर कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और इसे बंद करके रख देंगे। और फ्रेंड्स, दूसरी टिप ये है कि ये हैं गरम मसाले के तेज पत्ते आते हैं ना, ये हैं, इसको आपको क्या करना है कि एक डिब्बे में आधा मैदा डालने के बाद, सूजी, मैदा, बेसन जो भी आप डालोगे उसको आधा डालने के बाद ये पत्ते ऐसे रख दीजिए। ये पत्ते ऐसे रख देने के बाद अपन और इसके अंदर ये मैदा डाल देंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैदा डालने के बाद आप देखना इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और इस तरीके से बंद करके हम रख देंगे। तीसरी टिप्स ये है फ्रेंड्स, हम एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इसमें हम तीनों चीज़ों को डाल करके और फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखना कि आपके कई महीनों तक ये तीनों चीज़ें खराब नहीं होंगी।